नीलम ने रोका लक्ष्मी को एक दिन के लिए अपने घर में। जी हाँ वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा भाग्य लक्ष्मी का, और साथ ही साथ आपको ट्विस्ट भरा भी देखने को मिलेगा अपकमिंग एपिसोड। और वही एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली नीलम ने रोका है लक्ष्मी को अपने घर में एक दिन के लिए। जी हाँ वेल दोस्तों, वक्त यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली पारो और रोहन साथ में खेलते हुए आते हैं उसके पास, यानी कि लक्ष्मी के पास, और लक्ष्मी को गले लगा लेते हैं। तो आपको रुकना ही होगा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आपको यहाँ पे रुकना ही होगा। जी हाँ तो वही तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो लक्ष्मी होती है वो रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। तो वही तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो नीलम होती है, जब पारो जीत कर रहा होता है तो फाइनली जो नीलम होती है वो लक्ष्मी को बोल देती है कि तुम्हें यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, वेल रोहन के खातिर तुम्हें यहाँ पे एक दिन के लिए रुकना ही पड़ेगा, ये गेस्ट रूम तुम्हारे लिए मैं बुक करवा देती हूँ, तुम्हें यहीं पे रुक जाना होगा। जी हाँ, और फाइनली जो लक्ष्मी होती है वो एक दिन के लिए यहीं पे रुक जाती है। जी हाँ वेल, अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल बहुत ही बड़ा बवाल होने वाला है बर्थडे वाले दिन। जी हाँ, यानी कि बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा बर्थडे वाले दिन। वेल अब देखना ये होगा कि आखिर वो ट्विस्ट कौन सा आता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पारो को कोई पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, आई डोंट नो किस रीजन में उसको अरेस्ट करके ले जाते हैं, लेकिन हाँ उसको अरेस्ट करके ले जाते हैं। वेल अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो वो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और किसी टाइप का क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सो बाय बाय।